हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिवाली स्पेशल में पारंपरिक रूप से बनने वाली गुजिया या करंजी को एक डिजाइनर लुक के साथ थोड़ा सा इसका स्वाद भी चेंज करके बनाएंगे। पारंपरिक रूप से गुजिया जो रवा, मैदा या मावे से बनती है, उसमें हम चॉकलेट का ट्विस्ट दे करके बनाएंगे जो बच्चों बड़ों सभी का दिल जीत लेगी। देखिए, एक को मैंने तोड़कर भी दिखाया है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर जो मावा और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है ना, इसके स्वाद का क्या कहना। इसे आप दिवाली पर तो बनाएंगे ही, वैसे भी इसे बनाकर खाना चाहेंगे, ये इतना स्वादिष्ट है। मैं बहुत ही आसान और इजी तरीका इसे बनाने का आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करके इसमें 1/2 कप बादाम और 1/2 कप काजू, दोनों को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन्हें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े से घी के साथ यहाँ रोस्ट किया है। अब 1 चम्मच यहाँ पर मैं सौंठ का पाउडर डाल लूँगी, अदरक का जो पाउडर होता है, ड्राई जिंजर, और 1 चम्मच इलायची का पाउडर, इसको भी डाल करके साथ में हम भून लेंगे। अब काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसके बाद यहाँ 2 चम्मच किशमिश को डाल दिया है मैंने। अब ये जायफल है, इसे भी 1/4 टीस्पून जितना हम यहाँ पे क्रश करके डालेंगे। इसे ताज़ा क्रश करके डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा इन्हांस होता है और इसे डालने से स्वाद बढ़ जाता है। ये ड्राई डेट्स हैं, छुहारा भी इसे कहा जाता है, इसको तोड़ करके इसके अंदर के हमने बीज निकाल लिया है, और 1/2 कप इसको भी पीस करके इसका पाउडर बना करके हम इसमें मिला लेंगे। इसे डालने से इसकी मिठास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ 1 कप मावा, वजन में ये 200 ग्राम है और इसे मैंने घर पे ही बनाया था, इसीलिए मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को पहले रोस्ट किया है। अगर आप मावा बाहर से लेकर आते हैं तो आपको पहले मावा को रोस्ट कर लेना होगा और फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करना होगा। अब हम मावे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मावे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने जो सूरती घारी बनाया है उसमें मावा और बुरे खांड, जिसे तगार भी कहते हैं, दोनों को बहुत डिटेल में अच्छे से बनाने के लिए सिखाया है। आप वो भी रेसिपी देख सकते हैं, उसमें आप घर में मावा कैसे बनाएं वो बड़ी आसानी से बना सकते। 1/2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे। हमारे सारे मसाले जो हैं अच्छे से भून करके सेक करके तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके और मसालों को एक तरफ रख देंगे, ठंडा होने देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसमें तगार यानी कि शक्कर, जो हमने बुरी खांड जिसे कहते हैं, वो डालेंगे। आप चाहें तो शक्कर को मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तगार का यूज किया है। अब जब तक ये मिश्रण ठंडा होता है तब तक हम आटा का डो बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें 2 चम्मच घी को मेल्ट करके डाल दूंगी। यहाँ मैंने गरम घी नहीं लिया है, सिर्फ घी को मेल्ट किया है, तो मेल्टेड घी इसमें हम डाल करके और इसका एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। हम रोटी की तरह ही इसका डो लगा करके तैयार करेंगे, ना ही तो कड़क और ना ही बहुत नरम। और आप चाहें तो यहाँ मैदे की जगह आटे का भी डो लगा करके तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है, इसे हम अब थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आटा जब तक रेस्ट करता है, हमारा यहाँ मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इस मिश्रण में तगार को या पीसी हुई शक्कर को मिला करके रेडी कर लेते हैं। शक्कर आप अपने इच्छा अनुसार, अपने आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ 1/4 कप शक्कर डाला है, मतलब 1/2 कप डाला है और फिर 1/4 कप डाला है। अब इसमें शक्कर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, उतना हमें मिक्स करना है। याद रखिए, हमें गर्म में शक्कर नहीं डालना है।
अगर हम गरम गरम मिश्रण में शक्कर को मिला देंगे तो हमारा मिश्रण गीला हो जाएगा, शक्कर मेल्ट हो जाएगी और सारे मिश्रण को गीला कर देगी। अब हम इस मिश्रण को दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक को प्लेन बनाएंगे और दूसरे में हम चॉकलेट को डालेंगे। तो यहाँ मैंने दो पार्ट में दोनों को डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट में मैं यहाँ पे चोको चिप डाल दे रही हूँ, ये मिल्क चोको चिप्स है। मैं यहाँ दो टाइप्स की चॉकलेट डालूँगी, मिल्क चोको चिप्स और डार्क चोको चिप्स, दोनों को दो दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो चॉकलेट को काट करके भी, छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। दोनों फिलिंग्स तैयार हो चुकी है, डो भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब इनका हम छोटी छोटी लोइयां काट करके पूरी की तरह हम बना लेंगे, ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला। बहुत पतला करने से ये फटने की संभावना इसमें ज़्यादा बन जाती है। पतला बेलेंगे बट इतना भी पतला नहीं कि ये फट जाए। थोड़े से सूखे मैदे की हेल्प से इसको हम बेल करके बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे भरने के लिए इस तरह के मोल्ड्स जो हैं मार्केट में, काफ़ी तरह के मोल्ड आते हैं, आपको जो पसंद हो उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अब एक मैंने इस तरह से इसमें मोल्ड में रख लिया है। मोल्ड में पहले मैदा लगा लिया था ताकि हमारी जो गुजिया है वो चिपके नहीं अंदर। अब इसको मोल्ड के अंदर ही हमें फिलिंग को भरना है, उसके बॉर्डर पे नहीं आना चाहिए। अब बॉर्डर पे हम पानी लगा करके इसे फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दबा करके गुजिया को काट लेंगे। अब एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल देंगे। देखिए बॉर्डर्स कट चुके हैं। अब इस तरह से हम एक्स्ट्रा आटा जो है इसको निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग हाथ से बनाते हैं। देखिए ये हमारी गुजिया बन करके तैयार है, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगती है। अब बहुत सारे लोग जो हाथ से बनाते हैं इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये मैंने हाथ से भी भर करके आपको बताया है। देखिए इस तरह से आप, मैं बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन नहीं बना सकती हूँ, मेरे से नहीं बनता है। ये बॉर्डर को इस तरह से दबाते हुए एक तरफ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे हम। जिनको प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी डिज़ाइन बना लेते हैं इसकी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। देखिए एक तरफ से उठा करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है, ऐसे ये तैयार हो जाता है। बट इसमें समय भी बहुत लगता है और प्रॉपर डिज़ाइन बनी तो ठीक, नहीं तो फिर। अब इन सभी को एक कपड़े के नीचे ढक करके रखते जाएंगे ताकि ये सूखे नहीं। जब हमारी थोड़ी सी तैयार हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे घी या तेल में तल लेंगे। एक ये छोटा वाला मोल्ड है, इसमें भी पहले हम मैदा अंदर से लगा लेंगे और फिर उसी तरह से भर करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से छोटे बड़े काफ़ी मोल्ड मार्केट में आते हैं और इस मोल्ड से बनाने का एक फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी बन करके हमारा तैयार हो जाता है। इन्हें जब हम फोल्ड करते हैं तो इनके किनारों पे पानी लगाना आप भूलिएगा नहीं। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि किनारों पे हमारा मावा जो है फिलिंग आए नहीं और इनके बॉर्डर साफ़ हो। पानी लगाकर हम इसे इस तरह से दबा देंगे तो क्लियर एकदम अच्छे से ये तैयार हो जाता है। और एक्स्ट्रा आटे को काट करके निकाल लेंगे। देखिए बड़ी ही आसानी से गुजिया बन करके तैयार हो जाती है। अब इसी तरह से हम सारी गुजिया को भर करके तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन की बात आती है तो हम उसी तरह का एक और पूरी को बेल करके तैयार करेंगे। और यहाँ मैंने ये जो केक पर क्रीम लगाने के नोजल्स आते हैं उसको लिया है और उससे मैं इसको काट रही हूँ। आपके पास कोई छोटा ढक्कन हो या कोई भी इस साइज़ का आपके पास कटर हो तो आप उससे काट सकते हैं। मुझे यही सबसे छोटा मिला तो मैं इससे काट रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसे छोटा छोटा काट करके ले लिया है। अब इसमें हम 5-6 कट लगा लेंगे, बीच में छोड़ देंगे और इनके किनारियों से इस तरह से हम कट लगा करके तैयार कर लेंगे। और अपनी उंगली पर उठा करके इसके जो बॉर्डर हैं, देखिए इस तरह से आगे से इसको दबा देंगे। ध्यान से देखिए आप, सिर्फ इसके आगे के बॉर्डर को दबाना है, बीच में पकड़ करके
आगे के बॉर्डर को दबा देना है। फूल नुमा डिजाइन बनकर के तैयार हो चुका है। अगर इस तरह से आपके पास कोई कटर है, फूल की डिजाइन है, तो आप उससे और भी आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। और भी बढ़िया बढ़िया डिजाइन जो आपके पास हो, इस तरह से कोई कटर हो, बच्चों के पास आजकल बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम इससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अगर आप चाकू से नहीं काट सकते हैं तो सीजर से भी इसको काट सकते हैं। बस फिर से वही करना है, सब काट करके और इसके बॉर्डर्स को आगे से इस तरह से उंगलियों से पकड़िए और इसके आगे की बॉर्डर को दबा दीजिए, इकट्ठा करिए आगे के बॉर्डर को और बीच में बस एक पिंच ऐसे दबा दीजिए। बहुत ही आसानी से फूल बन करके तैयार हो जाता है। अब इस फूल को गुजिया के साथ चिपकाने के लिए हम एक फेविकोल बना करके तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच यहाँ मैदा लिया है मैंने और 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल करके एक लिक्विड घोल बना करके तैयार कर लिया है, ताकि हमारे डिजाइन फूल और गुजिया दोनों आपस में चिपक सके। अब यहाँ पे एक टूथपिक की मदद से मैं इनको आपस में चिपकाऊंगी। देखिए, इस तरह से हम गुजिया को उठाएंगे और थोड़ा सा हम अपने जो घोल तैयार किया है मैदे का उसको लगाएंगे। आपको जिस तरह से जहाँ चिपकाना है उसको इस तरह से लगा सकते हैं। और अब धीरे से एकदम सॉफ्ट हैंड से इसको हम दबाएंगे। जैसे ही हम टूथपिक से इसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ दबाते हैं तो फूल की डिजाइन ऊपर की तरफ हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप इसको करिए तो गुजिया में भी छेद नहीं होगा और हमारा फूल जो है अंदर की तरफ दब जाएगा। और जो जब वो अंदर की तरफ दबेगा तो फूल की डिजाइन जो है उठ करके देखिए इस तरह से ऊपर की ओर आ जाती है। देखिए, इस तरह से इसको हम दबा करके लगा देंगे। और अगर आपको लगता है इसमें छेद हो गया है तो वही पेस्ट थोड़ा सा उस होल में डाल दीजिए, छेद अपने आप भर जाएगा और हमारी डिजाइन भी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हम सभी अपने डिजाइनर गुजिया को बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे, कुछ डिजाइनर और कुछ प्लेन। उसे बाद में चॉकलेट से हम डेकोरेट करेंगे। अब दूसरी तरफ पैन में आप तेल या घी, जो भी आपकी इच्छा हो, वो गर्म होने के लिए रख दें। यहाँ हमारे कढ़ाई में घी गर्म हो चुका है। अब हम गुजिया को धीरे धीरे इसमें डालेंगे सॉफ्ट हैंड से, ताकि हमारा जो डिजाइन बनाया है टूटे ना। वैसे तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम केयर लेंगे और इसे अच्छे से उलट पलट करके सेक लेंगे। दोनों तरफ से गुजिया अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, अंदर का सारा सामान हमारा पका हुआ ही है। सिर्फ इसके ऊपर जो मैदा का पूरी है उसे ही हमें पकाना है और हम इसे मीडियम गैस पर ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर गैस हमारी फास्ट रहेगी तो गुजिया का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, गुजिया थोड़ी लाइट ही अच्छी दिखती है। तो इसी तरह हम सभी गुजिया को तल करके तैयार कर लेंगे और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब गुजिया हमारी ठंडी हो जाएगी तब उसके बाद ही हम इसमें चॉकलेट से काम करेंगे। देखिए, गुजिया मैंने थोड़ी देर रख दिया था और ये अब ठंडी हो चुकी है। अब उसके बाद ही हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर के मदद से मेल्ट कर लिया है और अब जो डिजाइन बने हैं, जो गुजिया के ऊपर फूल बने हैं, उस पर मैं चॉकलेट लगा दे रही हूँ। आपके पास कोई ब्रश है छोटा तो आप उससे भी इसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ टूथपिक की सहायता से इसके ऊपर चॉकलेट थोड़ा थोड़ा लगा दे रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए,
इस तरह से मैंने इसके ऊपर चॉकलेट लगा लिया है। अब दोनों तरफ बीच में ऐसे रख दे रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े स्प्रिंकल डाल दूँगी। देखिए ये इस तरह से मैंने बीच में इसको डाल दिया है। इसके ऊपर आप बड़ी बड़ी मोती वाले जो स्प्रिंकल आते हैं वो भी एक एक ऐसे रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये है, तो मैंने यहाँ ऐसे छोटी छोटी डाल करके इसे डेकोरेट कर लिया है। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो हमारी डिजाइनर गुजिया एक तो बन करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम हमारी सारी गुजिया को डेकोरेट करके तैयार कर लेंगे, और दिवाली पे जो गेस्ट आएंगे ना उनके सामने आप इन्हें परोसेंगी तो कुछ नया और कुछ अलग हट करके लगेगा। है तो पारंपरिक गुजिया ही, लेकिन इसके अंदर चॉकलेट और मावे का जो कॉम्बिनेशन है, ऊपर से हम जो चॉकलेट इसके ऊपर डाल करके डेकोरेट किए हैं उसका स्वाद, सब कुछ मिला करके ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगा और दिखने में तो सुंदर दिखेगा ही। तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर डिजाइन बनाइए, अपने हिसाब से इसके ऊपर स्प्रिंकल को डालिए और इसे अच्छे से अच्छा डेकोरेट करिए। गेस्ट तो इसे देखकर खुश ही होंगे, बट हमें भी जो अंदर से खुशी मिलेगी ना उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा और एकदम डेकोरेटिव गुजिया हमारा बन करके, नए स्टाइल का गुजिया बना करके हमने तैयार किया है। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। आप देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट्स भी डाल के सर्व कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना तो बनता ही। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।